इस समय हमारे साथ खास बातचीत के लिए जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला जी मौजूद हैं। दुष्यंत जी, चाहे जींद बाई इलेक्शन की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, यहाँ पे तो बीजेपी पूरे तरीके से जो हैवी रही है, और क्या देखते हैं कि अब की बार जो विधानसभा चुनाव होंगे, लोकसभा का चुनाव ना तो मनोहर लाल जी के नाम पर लड़ा गया, ना सुभाष बराड़ा के नाम पर लड़ा गया, ना अभिमन्यु के नाम पर लड़ा गया, ना धनखड़ जी के नाम पर लड़ा गया। ये चुनाव लड़ा गया नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के नाम पर। लोगों ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी को बेहतर चुना और चुनकर अपने मत के अधिकार से निर्णय किया। मगर आज जब बात विधानसभा की आती है तो इन लोगों को मैदान में आना पड़ेगा। क्या फिर नारनौंद में जाकर कैप्टन अभिमन्यु अपने चर्चा नहीं करेंगे? पिछली बार तो इन सब ने सपने बेचे थे कि मैं मुख्यमंत्री। इसका मतलब तो आज या तो ये खट्टर साहब का पद छीनेंगे या फिर खट्टर साहब इनको छीनने का काम करेंगे। जी, आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं जन चौपाल के माध्यम से, तो वहाँ किस तरीके की बातें हम देखें कि क्या मेन समस्या लोग आपके सामने रखते हैं, क्या बातें होती हैं? बहुत समर्थन लोगों का मिल रहा है, लोग बदलाव चाहते हैं। आज गांव में समस्या रोजगार की है, बढ़ते हुए नशे की है। आज गांव के अंदर समस्या पीने के पानी के साथ साथ गंदे पानी की निकासी की है। आज जो ये बिजली का 24 घंटे का दावा करते हैं, आप एक रात गाँव में बिता कर देखो, वहाँ भी पोल खुल जाएगी। तो इस प्रकार से हरियाणा समस्याओं से भरा हुआ है। ये सरकार लीपा पोती तो जरूर कर देती है समस्याओं पर, मगर कहीं ना कहीं उसका अहम कोई समस्या का समाधान निकालने में विफल रही है। और लोग मन बना चुके हैं, और मेरे ख्याल से जो 70 दिन बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, वोट की चोट मारकर इनको जवाब देंगे। एक और बात चली दुष्यंत जी की, बीजेपी के खिलाफ जो है सभी एक हो सकते हैं, महागठबंधन की बात हरियाणा में चल रही है, तो उसमें कोई गुंजाइश लगती है? देखो, मैं पूरी तौर पर इससे अपने आप को और अपने संगठन को दूर करता हूँ कि हम किसी महा का हिस्सा बनेंगे। जरूर कोई अलायंस अगर ऐसा सारथी मिला जो प्रदेश में परिवर्तन के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला कर चले, तो विचार संगठन करेगा। मगर जहाँ ये अफवाहें उड़ाई जा रही है, मैं पूरी तौर पर अपने आप को इससे दूर करता हूँ। तो क्या भूपेंद्र हुड्डा हो सकते हो कंधा? मैं तो नहीं मानता। ये थे दुष्यंत चौटाला जी, जिन्होंने कहा कि सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है वो महज दिखावा रहा है, और लोकसभा चुनाव में सिर्फ मोदी के नाम पर बीजेपी जो है सत्ता में आई है, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं होने वाला है। चंडीगढ़ से जयदीप राठी, R9 TV।